ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है ये मुख्य रूप से जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बना होता है, और जो बेकिंग पाउडर होता है यह बेकिंग पाउडर इसी बेकिंग सोडा और जो है यहाँ पर बेकिंग सोडा है इसी बेकिंग सोडा और किसी वीक एडिबल ऑयल यानी कि जो खाने वाले तेल होते हैं ऑयल होते हैं मुख्य रूप से टार्ट्रिक एसिड, और जो है यह टार्ट्रिक एसिड आपको इमली और कच्चे आम में मिल जाता है। तो यानी कि जो बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का जो है मिक्सचर होता है, और जो बेकिंग सोडा होता है बेकिंग सोडा जो है मोर बेसिक होता है यानी कि यह जो है अधिक बेसिक क्षारी होता है, भाई अधिक क्षारी होगा तो अधिक कड़वा होगा, और जो बेकिंग पाउडर होता है यह लेस बेसिक होता है, लेस बेसिक होगा तो कम कड़वा होता है, और जो सबसे अंतिम डिफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो बेकिंग सोडा होता है पैसिव इन वाटर होता है यानी कि जल में यह कोई एक्शन रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन जो बेकिंग पाउडर है ये बेकिंग सोडा और जो है किसकी टार्ट्रिक एसिड का जो है मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर होने की वजह से जल में जो है क्या करता है रिएक्ट करता है क्रिया करता है और CO2 गैस को रिलीज करता है। जबकि अगर बेकिंग सोडा को देखेंगे तो बेकिंग सोडा को रिएक्ट कराने के लिए इसको हीट देना पड़ता है, जब हीट दिया जाता है तब यह CO2 को प्रोड्यूस करती है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।